बनाने जा रही हूँ आलू बेसन की टिक्की, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम आलू बॉयल करके उसे छिलकर मैश कर लिया है। मसालों में हमने अदरक मिर्च को क्रश कर लिया है, बारीक धनिया काट ली, आधी चम्मच पंचफोरन, आप राई भी ले सकते हैं, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच सब्जी मसाला और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब इन सब सामानों को मिला के मैं फ्राई करूंगी। बैटर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है। फिर मैंने उसको घोल बनाया है और धनिया पत्ती डाला है। तो शुरू करते हैं बेसन की टिक्की बनाना। फ्राइंग पैन में मैंने तेल डाल दिया है और गैस पर रख दिया है। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। पंचफोरन डाल दिया, पंचफोरन लाल हो जाएगा तो मैं उसमें बाकी मसाले सब डालूंगी। सबसे पहले अदरक मिर्च को फ्राई करेंगे। दो मिनट बाद हम उसमें बाकी सारे मसाले डालकर फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद हम इसमें मैश किया हुआ आलू डालकर भुनेंगे। 5 मिनट तक हमें इन सारे सामानों को मिक्स करते हुए भुनना है। धनिया पत्ती डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसकी गोल गोल टिक्कियां बना लेंगे इस तरह से। अभी मैं सारी टिक्कियों को बैटर में डीप करके फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इस तरह से फ्राई करना है, दोनों तरफ पलट कर डीप फ्राई करना है। इस तरह से देखिए कितनी फूली फूली टिक्कियां बनी हैं। बेकिंग पाउडर डालने से टिक्कियां हमारी फूली बनती हैं। तो तैयार हैं आलू बेसन की टिक्की, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।